हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। सो यहाँ पे हम डेफिनेटली कन्फेशंस लेने वाले हैं कोई दो लोगों की तरफ से, ठीक है? जो कोई भी आपके माइंड में है, आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं और उनसे रिलेटेड एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को दो पाइल्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है? पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ओके? राइट, सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, ओके? सो देखते हैं पाइल नंबर 1 वाले पर्सन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके? जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो वो आपसे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और वो कहना चाहते हैं आपसे, तो आप दो बार उनका नाम अपने मन में लीजिए, ठीक है? देखते हैं उनकी तरफ से क्या कन्फेशंस आते हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या कन्फेशंस आ रहे हैं, क्या कन्फेशन आ रहे हैं पाइल नंबर 1 वाले पर्सन की तरफ से। क्या कन्फेशंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या कन्फेस करना चाहते हैं वो, क्या कन्फेशन है? ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकड़ है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको हो सकता है किसी प्रकार की कोई ईगो प्रॉब्लम हो। ओके, सो ये कोई ऐसा पर्सन है, ओके, इनके पास से मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि ये अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को, या अपनी फीलिंग्स को छिपाना इनको बखूबी आता है, या लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को आपसे जाहिर करना चाहते हैं, या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है? आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, या सो हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, या सो हो सकता है इनका दिल टूटा, ठीक है? आपने हो सकता है इनका दिल तोड़ा, या किसी प्रकार से ये बहुत हर्ट थे, है ना? किसी ने इनका दिल तोड़ा जिसकी वजह से इनके दिल के अराउंड इन्होंने एक फर्म वॉल बना ली। ये पर्सन प्यार वगैरह से बहुत ज़्यादा डरने लग गए, इनको प्यार वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंड तो ये चीज़ें ये आपसे बताना चाहते हैं कि ये कितना हर्ट हुए थे, इनका दिल तोड़ा गया था। I have feelings for you. हो सकता है इनके मन में आपके लिए feelings हैं, okay? या सो ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए feelings हैं। ये भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं, emotional हैं आपके लिए। I did not forgive you. आप हो सकता है इनसे दूर हो गए थे, इनसे अलग हो गए थे, आपने हो सकता है इनका दिल तोड़ा, ठीक है? तो ये person आपसे ये बोलना चाह रहे हैं I did not forgive you. क्योंकि आप इनको छोड़कर चले गए इस वजह से, आपने कोई फाइट नहीं करी अपने प्यार के लिए, इनके लिए, ठीक है? सो हो सकता है आपने गिव अप कर दिया इस रिश्ते पर, तो ये चीज़ ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आई डिड नॉट फॉरगिव यू, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये पर्सन होपलेस फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पास अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये बहुत होपलेस फील करते हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया, ओके? इन्होंने आपके साथ सारी बातें शेयर नहीं करी, कुछ चीज़ें आपसे छिपाई, ओके? सो ये चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है? तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ये सारी चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं, इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, ओके? और इन्होंने अपने हार्ट के अराउंड पूरा एक वॉल बना रखी है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल बना रखी है, ओके? सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ये बातें कन्फेस करना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, देखते हैं ये पाइल नंबर 2 वाला पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। इनका नाम आप दो बार अपने मन में लीजिए और इनसे रिलेटेड जो कन्फेशंस हैं वो आपकी तरफ आएंगे, ओके? या लेट्स सी और क्या कन्फेस करना चाहते हैं पाइल नंबर 2 वाले पर्सन, क्या कन्फेस करना चाहते हैं
फाइल नंबर टू वाले पर्सन की तरफ से क्या कन्फेशन आ रहे हैं? फाइल नंबर टू, ओके, इज देयर एनी अदर कन्फेशन? फाइल नंबर टू वाले पर्सन की तरफ से और कोई कन्फेशन? ओके, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक? या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में गॉसिप करता है, ठीक है, आपसे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल मानते हैं, बहुत हैंडसम मानते हैं, ठीक है. अगर आप मेल पर्सन हैं ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं ऐसा इस पर्सन को लगता है, फाइल नंबर टू वाले जो पर्सन हैं. आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ओके, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है और ये चीज़ इनको पता है. आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, या सो हो सकता है इनको अचानक से इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार आता है, फिर एकदम से प्यार कम हो जाता है, ठीक है. आपको लेकर के ये श्योर नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है. आई एम अ प्लेयर, या सो ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो प्लेयर हैं, वो यू नो प्ले अराउंड करते हैं, दिलों से खेलते हैं. आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन. सो इन्होंने हो सकता है आपकी फोटोज सेव कर रखी हैं अपने फ़ोन में, आपको ये बताना चाहते हैं. नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू. या सो आपको इन्होंने हो सकता है रिप्लेस करने की कोशिश करी, ठीक है. तो इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, आप इनकम्पेरेबल हैं, ठीक है, आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है किसी से, आप रेयर हैं. जैसा इनको आपके साथ फील होता है वैसा इनको कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, ये बात ही आपको बताना चाहते हैं. यू माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, या सो जब ये सोने जा रहे होते हैं तो आप इनके ख्यालों में होते हैं, ये बात आपको बताना चाहते हैं ये, ठीक है, जो कोई भी पर्सन है ये. सो ये कन्फेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके, ये कोई दो लोग हैं जो आपसे ये कन्फेस करना चाहते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये. सो लेट्स सी, आपके लिए एनर्जी अपडेट लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आ रहा है. लेट्स सी क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है. प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, क्या अपडेट आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए. ओके, ओ माय गॉड, वाओ, ओके, राइट, ओके, वाओ, राइट, ओके, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ क्योस, बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ हुए हैं, ठीक है, आपके घर में या फिर आपके पार्टनर से, किसी से कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं आपकी, उन लड़ाइयों से आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, उन लड़ाई झगड़ों से आप रिकवर कर रहे हैं. बहुत पेन दिया है लोगों ने आपको, या आपको बैक स्टैप किया, आपके अगेंस्ट यू नो एक टीम बनाई, आपको पूरी तरह से टारगेट किया, या सो आप उस चीज़ से, उस सिचुएशन से रिकवर कर रहे हैं. आप डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं, या डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं, डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी, गॉडेस एनर्जी है आपके अराउंड, ओके. तो आपने गिव अप कर दिया है कुछ, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हैं, ठीक है, यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट. तो आपको एक्चुअल में आपका क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रही हूँ, ठीक है, बहुत पावरफुल क्राउन है आपका. सी, हो सकता है आपने कोई इनविजिबल क्राउन धारण किया हुआ है, कोई इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है, ओके,
आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है, आप जो कुछ भी चाहते हैं ना बहुत इजीली मैनिफेस्ट करते हैं, या आप बस ईश्वर की तरफ देखकर बोलते हैं और वो चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। ओके, आप इजीली चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सरलता के साथ आप चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। आपने हो सकते हैं इस प्रकार के लोगों को गिव अप कर दिया है, ठीक है, जो आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट करते रहे हैं, ऐसे लोगों को आप पूरी तरह से गिव अप करना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार के लोगों से आपने दूरी बना ली है जो आपके जीवन में क्योस क्रिएट करते हैं, यू नो, बेफजूल का ड्रामा क्रिएट करते हैं, अशांति लाते हैं, तो आपने इस प्रकार के लोगों के ऊपर पीस को चुना है ना, शांति को चुना है आपने। सो यस, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। किसी प्रकार का कोई ईवल स्पेल, ठीक है, जो बैकफायर हो चुका है, ओके, ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है, ये ईवल स्पेल आपकी तरफ भेजा गया था, ओके, जो चीज़ बैकफायर हो गई है, और इस चीज़ का जो प्रभाव आपके जीवन पर था, ठीक है, जिस प्रकार की एन्जाइटी और डिप्रेशन और जो एक यू नो एडिक्शन, नेगेटिव एडिक्शन आपने जो फेस किया है, ठीक है, ये चीज़ें आपके जीवन से दूर जा चुकी हैं, ये चीज़ें पूरी तरह से हट गई हैं आपके जीवन से, ओके, नेगेटिविटी आपके जीवन से जा चुकी है। इसी वजह से आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, ओके, करियर में आपके ओवरऑल आपकी लाइफ में एक नयापन, एक न्यू एनर्जी ऐड हो रही है, पैशनेट और क्रिएटिव एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है, आपके जीवन में मैं नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, आप खुद एक नएपन को महसूस करेंगे अपने अराउंड, एक चेंज फील कर रहे होंगे, क्योंकि अब एक नई शुरुआत हो चुकी है और पैशनेट न्यू बिगनिंग्स आपके जीवन में होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आप। या आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी तरफ डेफिनेटली कोई अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। समथिंग अबाउट गिव अप, ये आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस गिव अप वाला कार्ड, ये गिव अप को क्लैरिफाई करिए प्लीज, या गिव अप एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, क्या चीज़ गिव अप करी गई है, प्लीज गिव अप वाली एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज, गिव अप वाली एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, डियर एंजल्स, माई डियर स्पिरिट्स, गिव अप वाली एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज, गिव अप, ओके, राइट, ओके, और क्या, राइट, आपने क्योटिक सिचुएशन को गिव अप कर दिया है, ठीक है, आपने उसके ऊपर अपनी हैप्पीनेस को चुना है, या हार्मनी को चुना है, अपने प्रोस्पेरिटी को चुना है, अपने प्यार को चुना है, राइट, आप उन लोगों को चुन रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, ओके, ट्रू लव को आपने चुना है, आपकी लाइफ में जो ड्रामा क्रिएट करते रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर आपने उन लोगों को चुना है जिनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए ट्रू लव कैरी करते हैं अपने मन में, राइट, सो इस प्रकार के लोगों को आपने चूज किया है, या या सो लाइफ में हम जो चॉइस करते हैं ना, जो चीज़ें हम चूज करते हैं, उसके बेस पर ही हमारा जो फ्यूचर है वो आगे निर्धारित होता है, ठीक है, सो डेफिनेटली आपने अपने लिए स्टैंड लिया है एंड अपनी हैप्पीनेस का साइड आपने लिया है, अपनी खुशियों का साइड आपने लिया है, ओके, अब आप अपने जीवन में कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं, कोई लड़ाइयाँ नहीं चाहते हैं, पूरी तरह से आप फेडअप हो चुके हैं इस सिचुएशन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाव मोमेंट्स आए हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई हैं आपकी लाइफ में, आप फेडअप हो चुके हैं इस चीज़ से, है ना, कार्मिक लोगों से आप फेडअप हो चुके हैं, या आप बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ कुछ पार्शियलिटी हुई थी, कुछ यू नो अन्याय हुआ था, जिस चीज़ को बैलेंस आउट किया जाएगा, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आप खुद को जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है, आप अपने साथ अब कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस का साइड ले रहे हैं आप, और इसी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं,
यही एक ऐसी बात है आपके अंदर जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है? बिकॉज आप अपने लिए आवाज़ उठाने से नहीं हिचकिचाते हैं, है ना? आप अपने लिए आवाज़ उठाते हैं और ये चीज़ आपको रेयर बनाती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नायाब बनाती है, ओके? स्पेशल बनाती है, या बहुत पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं आप। बैक टू बैक चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, आप एक यू नो स्ट्रांग सोल्जर हैं, बहुत रेजिलियंट हैं आप, है ना? ये जो चैलेंजेस हैं ना, इन्होंने आपको रेजिलियंट बना दिया है, बहुत बहादुर बना दिया है। हर परिस्थिति का सामना आप बड़ी बेबाकी से कर लेते हैं। इसी वजह से यूनिवर्स आपको डिजर्विंग मानते हैं, यूनिवर्स ये चीज़ मानते हैं कि आप पूरी तरह से ये ब्लेसिंग्स डिजर्व करते हैं, ठीक है? आप डिवाइन एनर्जीज कैरी करते हैं। ये जो चैलेंजेस आपने जो फेस किए हैं ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है ओवरकम कर पाना, ओके? आप एक बहादुर योद्धा हैं, आप एक बहादुर सोल्जर हैं जिसने यू नो बैक टू बैक चैलेंजेस को फेस किया है, ओके? एक के बाद एक हर प्रकार के स्पेल वर्क, लोगों के ताने, लोगों की बकवास आपने झेली है, ओके? यू नो लोग जो आपके अराउंड गैंग अप होते हैं, आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क्स वगैरह करते रहे हैं, हर प्रकार से आपको एक टारगेट बनाकर रखा, ओके? ये चीज़ें झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ओके? यही इस चीज़ का प्रमाण है कि आप डिवाइन एनर्जीज कैरी करते हैं अपने अंदर, ओके? डिवाइन एनर्जी रिसाइड करती है आप में, या आप डिजर्व करते हैं ये ब्लेसिंग्स, ये ऑफर, ओके? जो लाइफ चेंजिंग ऑफर है, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है, यू डिजर्व दिस टोटली, ओके? आप हो सकता है पॉपुलर पर्सन है, पॉपुलर बीइंग है, और आपको हमेशा टारगेट किया गया, ओके? आपके अगेंस्ट हमेशा लोगों ने गैंग अप किया, आपके अगेंस्ट हमेशा गॉसिप्स हुई, लेकिन आप उन गॉसिप्स से, वो जो यू नो गैंग अप किए गए आपके अगेंस्ट, आप उन चीज़ों से अनटच्ड हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आपके पीठ पीछे क्या बातें करता है, ओके? आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। सो ये चीज़ आपको बहुत स्पेशल बनाती है, ये चीज़ आपको रेयर बनाती है, ओके? आपको अपने हार्ट को हील करना आता है, आप खुद को हील कर लेते हैं, ओके? बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी, और आपने डिसाइड किया है कि अब आप इस सैड एनर्जी में नहीं रहेंगे, या यू टोटली फेड अप ऑफ दिस सैड एनर्जी। आप इस सैड एनर्जी से, इस उदासीनता से आप पूरी तरह से फेड अप हो चुके हैं, है ना? अब आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं जिस कार्य में ईश्वर ने आपको लगाया है, ठीक है? आप उसको निभाने में बिजी हैं, है ना? आपका फोकस अपने प्यार पर है, सच्चे प्यार पर है, सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट करने पर है, और इस पोजीशन को जो ईश्वर ने आपको प्रदान करी है, इसकी जिम्मेदारियों को निभाने पर है ना? अपने वर्क पर आपका फोकस है, आप अपने वर्क को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड इसी वजह से आपको आपके वर्क प्लेस पर भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे दिख रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई रिकॉग्निशन मिलने वाला है, आप पब्लिक आई में हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या आपके धन में जो डिलेज थे, ठीक है, आपकी कामयाबी में, आपकी सफलता में जो डिलेज आ रहे थे ना, वो डिलेज अब हट गए हैं, हर प्रकार से डिलेज को हटा दिया गया है, आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी, जिन चीज़ों का अभाव था, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो यू नो एक अच्छा सच्चा पार्टनर हो, ठीक है, जिस भी प्रकार का अभाव था, जो इम्बैलेंस था, उसको बैलेंस आउट किया जा रहा है, ओके? वो चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, यूनिवर्स उन चीज़ों को बैलेंस आउट करने वाले हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, ओके? आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं, अब आपको ईश्वर उस सिचुएशन से निकालने वाले हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आने वाला है, ओके? लाइफ चेंजिंग ऑफर, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ओके? बिकॉज आपको डिवाइन एनर्जीज डिजर्विंग मानते हैं, ओके? आप वेल डिजर्विंग पर्सन हैं, यू डिजर्व दिस लव, यू डिजर्व दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, सो यू डिजर्व दिस लव, यू डिजर्व दिस अबंडेंस, एंड यू डिजर्व दिस कमिटमेंट, ओके? दिस रिस्पेक्ट डेफिनेटली,
ओके, सो आप टोटली डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें, बिकॉज आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये सिचुएशंस को पार किया है. आपको टेस्ट किया गया था, ठीक है, आपका टेस्ट चल रहा था, और डिवाइन एनर्जीज ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया आपकी लाइफ से. ओके, आप टेस्ट में पास हो चुके हैं. या सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपके जीवन से डिलेज को हटाया जा रहा है, ठीक है. जो भी चीजों में डिलेज थे, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, आपके जीवन से डिलेज को हटाया जा रहा है. एंड आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं. ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बिकॉज आप डिजर्विंग हैं. ओके, यूनिक हैं आप, राइट. सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो केवल आप पर फोकस्ड हैं, ठीक है. हो सकता है उनके आसपास, उनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है, वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड हैं. वो आपकी यूनिकनेस को जानते हैं, ठीक है, उनको आपकी वैल्यू पता है, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू जानते हैं, ठीक है. वो जानते हैं आप कितने प्रेशियस हैं, या आपकी वैल्यू पता है इनको. कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी अहमियत को जानता है, या सो वो आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं बहुत जल्द. ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, चैनलाइज मैसेज है ये. ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं ओरेकल से आपके लिए. मैसेजेस ले लेते हैं हेवन की तरफ से. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम हेवन, या लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं हेवन से आपके लिए. मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है. डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है. ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पर. आई एम सराउंडेड बाई लविंग एनिमल्स. आपके मन में जीव जंतुओं के लिए बहुत दया है ना. एनिमल्स से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एनिमल लवर हैं, या आपको एनिमल्स का पेन समझ में आता है, उनकी भाषा समझ में आती है. सो आप एक्चुअल में डिवाइन पर्सन हैं, डिवाइन बीइंग हैं, या ओके, इट वॉज माई टाइम टू गो. या सो हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए, ठीक है, जो कोई भी है ये, या किसी एनिमल लवर की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है. ओके, आप अपने पेट्स से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने पेट्स के लिए बहुत केयरिंग हैं. आम विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली, कोई अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा है, ठीक है, तो वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज. राइट, ओके, इट इज नॉट योर फॉल्ट. या सो कोई आपको कह रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, इट इज नॉट योर फॉल्ट. और क्या मैसेज है. आप पूरी तरह से बेकसूर हैं, ठीक है, आपको ये बोल रहे हैं कोई, इट इज नॉट योर फॉल्ट. ओके, आई टेक दिस. ओके, किसी पास्ट लव्ड वन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, ठीक है. आपके कोई लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, आई एम नॉट डेड, ठीक है. तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं. ओके, कोई पास्ट लव्ड वन जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या प्यार करती थी. माई डेथ वॉज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट. या सो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है. वो पीस में हैं, ठीक है, वो अच्छे से हैं, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं. कोई पास्ट लव्ड वन वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं. माई माइंड इज फ्री. जो ये पास्ट लव्ड वन हैं, ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इनकी कोई ख्वाहिश थी जो वो पूरी होते हुए देख रहे हैं, और अब वो फ्री फील कर रहे हैं. ओके, अब वो अच्छा फील कर रहे हैं. द अर्थ इज आर स्कूल. या सो इस पृथ्वी पर हम बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं, राइट. डेफिनेटली हम जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए आते हैं,
पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए आते हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को हम रेज करने के लिए आते हैं। ठीक है, अर्थ हमारा एक स्कूल है, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भेजा जाता है, लेकिन हम लोग इस पृथ्वी पर आकर इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हम एक्चुअल में जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, पृथ्वी के प्रति, यहाँ के जीवों के प्रति, वो हम भूल जाते हैं। या सो ये चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ कराई जा रही है कि अर्थ इज़ आवर स्कूल। या सो यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भेजा गया है। इफ आई हैड ओनली नोन देन वट आई नो नाउ आई वुड हैव लिव डिफरेंटली। या सो डेफिनेटली कोई पास्ट में जा करके सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, ठीक है, टाइम मशीन के द्वारा वो पास्ट में जा करके यू नो स्टोरी को, अपनी स्टोरी को बदलना चाहते हैं वो। या ओके, इफ आई हैड ओनली नोन देन वट आई नो नाउ आई वुड हैव लिव डिफरेंटली। या सो यू नो सिचुएशन कुछ अलग होती, तरीके कुछ अलग होते। या सो कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये सोच रहा है कि चीज़ें बहुत अलग होती अगर यू नो उनको पता होता ये सारी चीज़ें, कुछ सिचुएशंस पता होती तो यू नो बात कुछ अलग होती। और क्या मैसेज है? एक मैसेज और लेंगे हेवन की तरफ से, एक मैसेज और लेंगे दी एंजल्स, एक और मैसेज दीजिए, एक और मैसेज दीजिए। ओके यस, एज अ सोल आई कैन बी इन सेवरल प्लेसेस एट वंस। या या सो आपके जो पास्ट लव्ड वन है वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो एक ही समय में कई जगह पर प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। या वो आपके एंजल हैं, गार्जियन एंजल हैं, ठीक है। आपको जो कुछ भी चाहिए जीवन में, या जो भी आपकी समस्या है, अगर आप किसी समस्या से निकलना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए जीवन में, आप उनसे बोलिए, आपको वो चीज़ प्रदान करी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपके एंजल आपको बता रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल आपको बता रहे हैं। तो आपके जो पास्ट लव्ड वन है वो आपके गार्जियन एंजल बन चुके हैं, ओके, वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो उनको ये पता है कि आपकी खुशी कहाँ पे रिसाइड करती है। या सो वो बखूबी ये चीज़ जानते हैं, वो आपको इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं। क्या मैसेजेस हैं? ओके, एंजल्स के मैसेजेस बताने से पहले मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये कॉम्बो पैक है ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको ईविल आई से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। एंड अगर आप इस कवच को धारण करते हैं एंड इसके नियमों का पालन करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स, ओके। एंड अगर आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आप अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बना लेते हैं, ओके, जो कि धन योग है। सो अगर आप इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इनमें से अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू मेल मी। अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। एंड आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, ओके। सो देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, दे आर स्केयर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। या सो किसी को बहुत डर लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, ओके, कोई बहुत ज़्यादा डरता है। ट्विन फ्लेम्स, समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, है ना, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी को डर लगता है, हो सकता है उनका डर बेवजह हो। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। या सो आपकी डेस्टिनी में है विक्टोरियस होना,
विजय प्राप्त करना, आप अजेय हैं, हर सिचुएशन में आपकी जीत निश्चित है, या लॉयल फीमेल, आप लॉयल फीमेल हैं, बहुत लॉयल हैं, ठीक है, आपकी लॉयल्टी आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, या आपके आभामंडल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू, या सो अनएक्सपेक्टेड धन के लिए तैयार रहिए, ऐसा धन जो आपने सोचा नहीं था कि आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है, तो ऐसा धन आपकी तरफ आ रहा है, ओके. नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू, या सो आपके पार्टनर अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो कोई अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं. आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, आई एम टेलिंग यू. सो किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो उनको आपसे अपने प्यार को जाहिर करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, या अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी. उनको ऐसा लग रहा है अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी. अगर उन्होंने अभी खुद को एक्सप्रेस नहीं किया तो हो सकता है आप ऐसा समझ लें कि उनके मन में आपके लिए कुछ है ही नहीं. या योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू, सो आपके हेटर्स को ये चीज़ पता है कि उन्होंने आपकी क्षमताओं को कम आका, है ना, आपकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, असीमित क्षमताएं हैं आपकी. अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, आपके एनिमीज के अराउंड कोई घोस्ट वगैरह है, या ओके, सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके एनिमीज के अराउंड, या योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, आपके एनिमीज को वार्निंग्स दी जा रही हैं, किसी प्रकार की वार्निंग्स मिल रही हैं आपके एनिमीज को. जो कोई भी आपसे हेट करता है ना, उनको वार्न किया जा रहा है. हेटर्स हु वॉन्टेड टू हैक योर अकाउंट, देयर ओन अकाउंट गॉट हैक्ड, या सो जो कोई भी आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा, उनके अकाउंट्स हैक कर दिए जाएंगे, ओके, डिवाइन एनर्जीज उनके अकाउंट को हैक कर देंगे, या कोई आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, समबडी इज प्रोटेक्टिंग यू. आपको हो सकता है इस चीज़ की खबर भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या सो कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या योर टाइम इज वैल्यूएबल, स्पेंड इट वाइजली, या आपका टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपको उसको वाइजली स्पेंड करना है, ओके, वेस्ट नहीं करना है आपको अपने टाइम को. वॉन्ट लव, प्यार चाहिए किसी को, या समबडी रियली वॉन्ट लव, ओके. कोई किसी से बोल रहा है लव मी, या कोई लव मी बोल रहा है, या आपके पार्टनर बहुत हेल्पिंग है, हेल्पिंग नेचर है उनका. ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सोल पार्टनर हैं, बिना आपको बताए वो आपकी मदद करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं, आपके अकाउंट को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हुई है, शील्ड किया हुआ है, हाँ. सो आपके सोल पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत हेल्पिंग है वो, बिना आपको खबर किए वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, वो आपको बता भी नहीं रहे हैं ये चीज़, बट वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, तो आपके हेटर्स का कर्मा सीजन शुरू हो चुका है. आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, है ना, जो ड्रामा क्रिएटर्स हैं वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं. यू स्मैश द ईगो, या आपने अपने हेटर्स के ईगो को स्मैश कर दिया. सो आप बड़े हम्बल पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम्बल व्यक्ति हैं, एंड आप ईगो वगैरह कैरी नहीं करते हैं, तो आपको ईगो कैरी करने वाले लोग भी पसंद नहीं है. तो आपने किसी के अभिमान को चूर किया है ना, तोड़ा है किसी के अभिमान को, किसी के ईगो को आपने स्मैश किया है. कम्युनिकेट, या आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी, या यू हैव टू कम्युनिकेट, ओके, स्पिरिट्स आपको कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कह रहे हैं. न्यू होम फॉर यू, आपकी तरफ आपका नया घर आ रहा है, न्यू होम, या ओके, यू आर इररेजिस्टिबल, यू आर माई क्रश. सो कोई आपको अपना क्रश मानता है, कोई आपको इररेजिस्टिबल मानता है, ठीक है, वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं आपके सामने, लाइक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कोई. किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू आर हील्ड, आप हील हो चुके हैं, या
यू आर हील्ड, ओके, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बहुत कुछ आपने झेला, बहुत टफ टाइम आपने झेला है, ठीक है. लॉयल मेल या समथिंग अबाउट लॉयल फीमेल, लॉयल मेल, आप दोनों ही लॉयल हैं, आप दोनों ही बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर्स के लिए, लेकिन आप दोनों की लॉयल्टी को फॉर ग्रांटेड लिया गया. सो यस, यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, कोई नेम यहाँ पे चैनलाइज हो रहा हो. ओके, ओके. नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक है, 86 बॉर्न है कोई, 1986 बॉर्न है, 1989 बॉर्न है, 8th ऑफ सितंबर, किसी भी मंथ की 8th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है. लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका. किसी की एज है 68, 98 बॉर्न है कोई. समथिंग अबाउट नो, कोई नो कह रहा है किसी को. विनोद नेम आ रहा है यहाँ पे, विनोद. नो लव, ओ माय गॉड, ओके. नो लव, हो सकता है आपकी लाइफ में प्यार नहीं था, लैक ऑफ लव, है ना. या समथिंग अबाउट अलोन, या लव गो, कोई गुड नाइट कह रहा है, गर्लफ्रेंड, लव ऑन, वेल्थ, ओके, या वेल्थ. ओके, आई एम लिसनिंग विजन, किसी को विजन आ रहा है कुछ. विंस, ओके, लव विंस, प्यार की जीत होती है, ठीक है, प्यार जीतता है, यहाँ पे लव विंस आ रहा है कुछ, या शून्य. आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है, ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू होने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में. नंबर 60 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 80 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 1990 बॉर्न हो सकता है कोई. फ्लोन, ओके, फ्लो, गो विद द फ्लो, ओके. ग्लो, समथिंग अबाउट ग्लो, ग्लोइंग. फैन, कोई फैन है किसी का, समथिंग अबाउट फैन, फैंस, फ्रेंड्स, ओके. व्लॉग, या कुछ व्लॉग से रिलेटेड आ रही है बात. फोन, फॉलिंग, ओके, आई एम लिसनिंग फॉलिंग, फ्लोइंग, फॉलिंग, समथिंग अबाउट फ्लोइंग. विनिंग, कोई लो फील कर रहा है, बहुत उदास है कोई. राइट, सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, ओके, राइट, ओके. यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, ठीक है. उनको आपके अटेंशन की ज़रूरत है, उन पर आप ध्यान दीजिए, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उनकी तरफ, राइट. सो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आ रहा है, हो सकता है उनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, एंड दैट्स वाई वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके. सो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आई है, कोई चैनलाइज मैसेज है किसी के लिए. सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू.